Hey everyone, welcome back to our channel Crazy for You BL Stories. So चलो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो के स्टार्टिंग में हमें हमारा सीजी दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम से निकला ही होता है और वहीं पर उसकी सीनियर मिल जाती है और वो कहता है सीनियर आप यहाँ पर एंड तभी उसकी सीनियर कहती है कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे लेकिन क्यों क्या मैं जान सकती हूँ एंड तभी सीजी कहता है कि वो मैं तभी उसकी सीनियर कहती है तुम सुबह से आइस वाटर ड्रिंक किए जा रहे हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है। अगर तुम्हें ठीक नहीं फील हो रहा तो तुम मुझे बता सकते हो ना। देखो वेल मैं यहाँ पर जब आई तो मैंने तुम्हें देखा एंड उसके बाद तुम जल्दी में थे एंड उसके बाद स्टूडेंट लोग सभी लोग बैठने के लिए वेटिंग कर रहे हैं। क्या तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना? क्या वो स्पीच नहीं सुननी? क्या लेक्चर नहीं सुनना? एंड ये बात सुनते सीजी कहता है वो हाँ एंड तभी ये बात कहने के साथ साथ उसकी सीनियर से क्लोज आती है और कहती है कि एक मिनट अभी मैंने देखा तुम्हारी एकदम पास से वो जो पर्सन गया क्या तुम उसे जानते हो? एंड ये बात सुनते सीजी कहता है नहीं मैं नहीं जानता। एंड ये बात सुनते उसकी सीनियर कहती है कि अच्छा और उसकी चीक्स को पिंच करती है और कहती है कि ऐसा लग रहा था तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो। एंड तभी सीजी कहता है नहीं एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड तभी हाँ जो सीनियर रहती है कहती है कि वेल तुम ऐसे मुझे ट्रीट करोगे। एंड तभी सीजी कहता है कि सच में मैं नहीं जानता उसे। एंड तभी उसकी सीनियर कहती है कि वेल मुझे समझ भी नहीं आ रहा तुम कैसे इस हाई क्लास हाई क्वालिटी की हॉटी को जाने लगे हो यार। हमारे ग्रुप्स में इतनी सारी गर्ल्स हैं क्या हमसे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे? तुम ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो? ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। तो सीजी कहता है आई नो सिस्टर प्लीज़ काम डाउन आई रियली डोंट नो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं उसे नहीं जानता। एंड तभी ये बात सुनती उसकी सीनियर कहती है कि झूठ बोल रहे हो ग्रेजुएशन होने में हमें सिर्फ 2 और 3 मंथ ही रह चुके हैं एंड तुम हमें ज़रा भी तुम नहीं बताओगे। तुम बता दो ना हमें वैसे भी इतना सारा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का स्ट्रेस है एंड तुम अभी मुझे बताओगे नहीं मैं हूँ ही कौन तुम्हारी। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा सीधी कहता है ओके ठीक है मैं देखता हूँ। एंड तभी उसकी सीनियर कहती है वेल मैं जोक कर रही थी लेकिन लॉजिकली अगर हम लोग बात करें तो तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हेल्पर हो। जब भी इवेंट आता है ना तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हेल्प कर अच्छे तरीके से हेल्प करती हो तो क्यों ना तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और उसे वाइन हाउस लेकर आओ। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो सीजी होता है वो कहता है क्या? एंड तभी सीनियर कहती है कि एंड थैंक यू सो मच हाँ एडवांस में हमें बता देना और अगर तुम्हें कुछ भी खाना हो तो प्लीज़ हमें बता देना लेकिन उसके बदले में तुम हमारा वो काम कर दो। एंड सीजी कहता है सीनियर प्लीज़ मत जाइए सीनियर प्लीज़ रुकिए तो प्लीज़ सीनियर आप मुझे फोर्स ऐसे कैसे कर सकती है अपनी क्यूट जूनियर को प्लीज़ सीनियर ऐसा मत कीजिए। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। अब सीन शूट होता है जहाँ पर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें वो रूम दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे क्लब की आवाज़ें थी और बहुत कुछ लोग थे जो कि लेक्चर दे रहे थे जहाँ पर हमारा सीजी एंड उसकी सीनियर भी थे जो कि लेक्चर अटेंड कर रहे थे। एंड तभी उसकी सीनियर कहती है वाह शिट उसे देखो तो वो कितना ब्यूटीफुल है। एंड ये तो उसकी दूसरी सीनियर थी। एंड तभी सीजी कहते क्या एंड ये हमारा शेनई था जो कि लेक्चर देने आया था एंड हमारा सीजी उसे ही देखे जा रहा था। एंड तभी उसकी जो सीनियर रहती है कहती है वाओ ये कितनी खूबसूरत है ये कितना ज़्यादा हैंडसम एंड ब्यूटीफुल है यार। एंड हमारा सीजी सोच रहा होता है क्या ऑब्वियसली फिर से सीनियर पहली सीनियर का क्या कम था ये जो दूसरी सीनियर भी इसके प्यार में पड़ गई। एंड तभी हमारा जो शेनई रहता है उसकी सभी गर्ल्स फोटो क्लिक करने लगती है लेकिन शेनई इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता वो फिर से लेक्चर देना कंटिन्यू करता है। एंड सभी जो गर्ल्स थी वो शाउट करती हुई कहती वाओ ये कितना ज़्यादा हैंडसम है मैं सच में इसकी प्यार में पड़ गई हूँ। एंड ये सारी बातें हमारा शेनई और सीजी दोनों सुन रहे होते हैं। एंड तभी उसकी जो सीनियर रहती है वो तुरंत अपने फ़ोन में उसका फ़ोटो ले लेती है और कहती है कि मैंने सुन लिया तुमने जो कहा। एंड ये बात सुनते ही हमारा सीजी कहते क्या क्या नहीं नहीं मैं उसे नहीं जानता। एंड तभी उसकी सीनियर कहती है क्या कहा तुमने मैंने सुना कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो उस काम करने के लिए। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो सीधी होता है कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम क्लियर तो करना चाहिए कौन सी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। एंड कहता है कि आप क्या स्वैप करना चाहेंगे आप लेना चाहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड तभी उसकी सीनियर कहती है कि नो मेरे पास सच में टाइम नहीं है हम लोग वी चैट कर लेते ना तुम्हें कभी ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बोल सकते हो मेरे पास प्लीज़ टाइम नहीं है। एंड तभी सीधी कहता है क्या एंड तभी उसकी सीनियर कहती है कि प्लीज़ शाओ ना प्लीज़ कर दो ना एंड हमारे ग्रुप्स में इतनी सारी सिस्टर्स हैं एंड वेट ए मिनट एंड हम तुम्हें ना मील की ट्रीट दे देंगे तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा हम वो तुम्हें खिला देंगे बट मेरा ये काम कर दो। एंड सीधी कहते क्या
एंड तभी हमारा शेनई जो होता है वो हमारी सीसी को देख रहा होता है, जिसके हाथों को एक गर्ल ने पकड़ा होता है। एंड उसकी नज़र हमारे शिजी पर ही जा रही थी, क्योंकि उसका हाथों को किसी गर्ल्स ने पकड़ा, ये हमारा शेनई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। एंड अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी जो सीनियर होती है वो कहती है कि सीजी मान जाओ ना, एंड हम लोग वेट करेंगे तुम्हारा। एंड ये बात सुनते सीजी कहता है कि सच में मैं एक्चुअल में उसे नहीं जानता, मैं सच में उसे नहीं जानता। एंड ये बात सुनते ही वो कहने वाला होता है क्योंकि वो एक मैन को पसंद करता है। एंड तभी वो रुक जाता और कहता है कि क्या आपको पता है कि उसे किस तरीके की गर्ल्स पसंद है। एंड तभी उसकी सीनियर कहती है कि रिलैक्स, हमारे ग्रुप में ना हर तरीके की गर्ल्स है, वेल प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो, कोई ना कोई इस बंदे को पटा तो लेगी ही। एंड तभी सीजी कहता है क्या, और वो कहता है ठीक है मैं अपना बेस्ट करूँगा। और वो सोचने लगता है कि एंड में सीनियर कुछ नहीं होने वाला, वो स्ट्रेट रहेगा तो ना गर्ल्स उसे पसंद आएंगी, वेल वो स्ट्रेट ही नहीं है, वो गे है। एंड अब सीन शूट होता है जहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लेक्चर ख़त्म हो चुके होते हैं। एंड हमारा सीजी बात कर रहा होता है और कहता है डोंट वरी मैं जा रहा हूँ उसे पिक करने, और वो कहता है ओ हाँ मैंने उसे देख लिया, अब मैं फ़ोन रखता हूँ ठीक है। एंड तभी वो हमारे शेनई के क्लोज जाता है और कहता है कि तुम अकेले क्यों हो। तभी शेनई कहता है कि सभी लोग बाहर गए थे, एंड वो चाहते थे कि मैं भी बाहर जाऊँ उनके लिए ड्रिंक उनके साथ करने के लिए। एंड बाहर का नाम सुनते ही हमारा जो शिजी रहता है वो एकदम शॉक हो जाता है, एंड हमारा जो शेनई रहता है वो एक ईविल स्माइल देता है। एंड तभी हमारा सीजी कहता है वेल अगर ऐसा है तो हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। एंड तभी वो टैक्सी बुलाता है, जहाँ पर हमारा शेनई कहता है कि तुम्हें पहले चलना चाहिए। एंड शेनई आगे जो टैक्सी ड्राइवर के सामने की जो सीट होती है वहाँ पर बैठता है, और सीजी हमारा पीछे बैठता है। एंड शेनई सोचने लगता है कि ये आगे बैठ गया। एंड सीजी सोच रहा होता है कि वेल कौन तुम्हारे साथ बैक सीट पर बैठना चाहता है, यू डेविल, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं बैठना चाहूँगा। एंड शेनई ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, एंड वो स्माइल करते हुए पीछे बैठ जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है, आई मीन वो बाहर की तरफ देख रहा होता है। और हमारा जो सीजी होता है वो फ्रंट मिरर से हमारे शेनई को ही देखे जा रहा था, वो उसे एकदम लस्टफुल आई से देख रहा था, जो कि हमारा शेनई नोटिस कर लेता है। जैसे ही हमारा शेनई नोटिस करता है उसे रियलाइज़ होता है कि उफ शेनई ने तो देख लिया। एंड सीजी हमारा जो नॉर्मल होने की एक्ट करता है, एंड ये सारी चीज़ें हमारे शेनई को देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, और एक स्माइल के साथ वो अपने आईज़ को क्लोज करके वहीं पर रेस्ट करने लगता है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम एंड क्यूट लग रहा था। एंड अब वो दोनों अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके होते हैं। एंड तभी हमारा जो शिजी होता है वो टैक्सी ड्राइवर पर बिल मांगता है और कहता है कि सर प्लीज़ इसका बिल हमें दे दीजिए। एंड ये बात सुनते ही हमारा शेनई होता है स्माइल करने लगता है, एंड वो सोचने लगता है हमारा जो सीजी होता है वो सोचने लगता है कि पता नहीं तुम ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हो, तुम्हें अलाउ किसने किया कि स्माइल करने के लिए, टैक्सी था तो मैंने उसका रिसीप ले लिया, और वैसे भी तुम इसके लिए पे कर रहे हो तो मैं क्या करूँ, अगर तुम पे करोगे तो फिर मुझे भी तो पे करना ही पड़ेगा। एंड तभी हमारा शेनई कहता है क्या हुआ तुम्हारे पास मनी की प्रॉब्लम चल रही है क्या। एंड तभी हमारा जो शिजी होता है वो कहता है कि हाँ क्यों क्या हुआ। एंड तभी शेनई कहता है कि तो फिर तुम मेरी मनी का यूज़ क्यों नहीं करते, तुम्हें मनी क्यों नहीं चाहिए। एंड तभी हमारा सीजी कहता है कि मैं तुम्हारी कैसे मनी ले सकता हूँ, वैसे भी मैं तुम्हारी मनी डिज़र्व नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी मनी कैसे लूँ, और वैसे भी तुम चेंज नहीं कर सकती मुझे, मैं स्ट्रेट ही हूँ। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर चैनल से सब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू सून।